मॉर्निंग बच्चों, कल जो हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था, आज हम आपको आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट इन फिगर्स। फिगर मीन्स क्या होता है? अंकों में लिखना है आपको। फिगर मीन्स क्या होता है? अंकों में लिखना है। देखिए पहला दिया है 265,430, तो इसको आप इसमें लिखना है, अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। यहाँ पर 265,430। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 76,240, तो आपको इसको फिगर्स में लिखना है 76,240। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ द डिजिट इन द नंबर। किसी अंक का प्लेस वैल्यू किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कोई आप नंबर ले लीजिए 324, इसको हम लोग 4 को क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। अगर इसे कोई आपको पूछेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, इसका 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 × 1 = 4। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 × 10 = 20 होगा। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 × 100 = 300। प्लेस वैल्यू के बाद एक आपका आएगा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो चीज़ें होती हैं। तो प्लेस वैल्यू आपका ये है, प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो भी कोई आपका नंबर दिया रहेगा वो उसके प्लेस पर डिपेंड करेगा, जो किस प्लेस पर है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 है, तो ये 4 किस वाले प्लेस पर है? वंस वाले प्लेस पर है। तो इसका हम लोग 1 × कर देंगे तो ये हमारा आएगा 4। 2 किस प्लेस पर है, 3 किस प्लेस पर है, वो इस पर डिपेंड करेगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बाद हम आपको फेस वैल्यू पढ़ाएंगे। तो फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इन द डिजिट इटसेल्फ। किसी अंक का वास्तविक मान ही हमारा क्या कहलाता है? फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि 224 में 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू जो होता है वो खुद का ही नंबर होता है। जैसे कि अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, मान लीजिए आईना है, अगर आप इसमें अपने आप को देखेंगे तो इसमें किसका चेहरा दिखाई देगा? इसमें हमारा ही चेहरा दिखाई देगा। तो इसी यही चीज़ फेस वैल्यू पर भी लागू होता है। अगर जो भी नंबर दिया रहेगा उसका फेस वैल्यू क्या होगा? वो खुद का ही नंबर होगा, इटसेल्फ होगा, वो खुद का नंबर होगा। और 2 का क्या होगा? फेस वैल्यू 2 ही होगा। फिर इसमें मान लीजिए अगर ये 6 है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.2 बता रहे हैं, जो जिस पहला क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इन द गिवन नंबर। जो आपका नंबर दिया हुआ है उसका क्या बताना है आपको? प्लेस वैल्यू बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 98,125। तो 98,125 का प्लेस वैल्यू बताना है। आप सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उनको लिख लीजिए, फिर उसके बाद उनको 1, 10, 100, 1000, 10,000 पर लिख लीजिए। उसके बाद सबका एक तरफ से निकाल दीजिए। सबसे पहले हम लोग वंस वाले तरफ निकालेंगे। तो वंस वाले प्लेस की तरफ क्या दिया है? 5 दिया हुआ है। 5 को मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे? 1 में करेंगे। तो इसका हमारा मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह हम लोग 2 का निकालेंगे। जब 2 का निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 10 करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि ये 2 किस प्लेस पर है? 10 पर है। जिस प्लेस पर दिया रहेगा उस पर ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 10 = 20। उसके बाद यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 × 100 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पास 8 × 1000, यहाँ पास 8000 हो जाएगा। यहाँ पास 9 दिया हुआ है, 9 किस प्लेस पे है? 10,000 पे। यहाँ पास हम लोग 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? इसी तरह आप सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं।
दूसरे क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप लोग घर पे अपना करेंगे, जो भी नहीं आएगा उसको हम लोग कल बताएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजीज, जो आपको यहाँ पास कलर डिजीज दिया हुआ है, बुक अगर होगा तो आपको यहाँ पास नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पास मार्कर से उसको हम डार्क कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि यही आप यही नंबर का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। इसमें आपका 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं और इसमें आपका 4 का प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 का प्लेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में जिसका प्लेस वैल्यू पूछे हैं बस हमको उसी का प्लेस वैल्यू बताना है, बाकी अदर्स का नहीं बताना है, सिर्फ कलर डिजिट का बताना है। तो कलर डिजिट हमारा क्या है, 6 है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 हम देख लेंगे 6 किस प्लेस पर है, कौन सा है, 10 है, तो ये 10 वाले प्लेस पर है, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60, बस ये हम लिख ऐसे ट्राई करके छोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा कि 6 हमारा किस प्लेस पर है, 10 वाले प्लेस पर है, तो 6 के आंसर 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। उसके बाद हमारा 4 है, 4 हमारा किस प्लेस पर है, आप काउंट कर लीजिए 1, 10, 100, 1000, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 1000 में कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4000। इसी तरह आप तीसरा चौथा पांचवा करिएगा, जो भी नहीं आएगा उसको हम आप बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 5 एस ए, तो ये जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ है जहाँ इसमें बोथ मतलब दोनों जहाँ 5 रहेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है आपको 5 का। तो हम देखते हैं 5 हमारा कहाँ कहाँ पास है, एक यहाँ है और एक उसके बगल में है। सबसे पहले हम नंबर को लिख लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख में, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख लिखने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा ये 5 जो है हमारा किस प्लेस पर है। ये देखिए 5 हमारा किस प्लेस पर है, 10,000 पे है, और ये वाला 5 हमारा किस प्लेस पर है, लाख पे है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू निकालने में आसानी रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो हम लोग यहाँ 5 लेंगे, 5 मल्टीप्लाई हम कितने बना रहेगा 10,000 में, तो हमने 10,000 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमारा लाख है, 5 हमारा किस प्लेस पर, लाख पे है, तो हमने 5 मल्टीप्लाई और 1,00,000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पास हमारा आ गया है 5,00,000। उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना है, जो हमने प्लेस वैल्यू निकाला हुआ है उसको हमको क्या करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है। तो हमने देखिए जो हमारा बड़ा प्लेस वैल्यू था हमने ऊपर लिख दिया, जो छोटा वाला प्लेस वैल्यू था उसको नीचे लिख करके हमने ऐड कर दिया। इसी तरह हमको जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स दिया रहेगा, इसी तरह हमको सॉल्व करना रहेगा, जो जो भी है उस दिया रहेगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, थर्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहुंच गए हैं। हम लोग 4 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ एज, हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, किसका निकालना है, ये जो हमारा 8 जहाँ जो नंबर दिया रहेगा, 8 नंबर जहाँ दिया रहेगा उसका हम प्लेस वैल्यू निकाल करके उसका हमें डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 कहाँ है, 8 हमारा कहाँ है, यहाँ है 8 और ये 8 हमारा यहाँ पास है। तो सबसे पहले इन दोनों का 8 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और जो हमें यहाँ पास नंबर दिया हुआ है 8, बस उसका ही हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, अदरवाइज और किसी भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू नहीं निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों 8 का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए हम लोग इन दोनों 8 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले इसको इजी करने के लिए इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा किस प्लेस पे है, तो 1, 10, 100, 1000। ये जो 1 है हमारा, ये जो 1 है हमारा 1 वाले प्लेस पे है, 8 हमारा 10 वाले प्लेस पे है, 2 हमारा 100 वाले प्लेस पे है, ये जो 8 है ये हमारा किस प्लेस पे है, 1000 वाले प्लेस पे है। अब हमको आसानी हो जाएगा प्लेस वैल्यू निकालने में, 8 हमारा किस प्लेस पर है, 10 वाले प्लेस पे है, 8 × 10 = 80। ठीक है, ये वाला हमारा 80 का हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 8000। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8000 में से 80 को आप घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 0 यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पास हो जाएगा 9, यहाँ पास हो जाएगा 7। इसी तरह आपका ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको क्या कर रहा है, इस दोनों 8 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। इसको भी आप लोग क्रम से लिख लीजिए, 1, 10, 100, 1000 की तरह 1, 10, 100 और 1000,
वन वाले पेज पे आपका एट है, टेन वाले पेज पे जीरो है, हंड्रेड वाले पेज पे जीरो है, थाउजेंड वाले पेज पे एट है। तो यहाँ आपका अब प्लेस वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पास एट की स्पेस पे है जीरो, एट की स्पेस पे है वन वाले पेज पे, एट मल्टीप्लाई वन का बराबर यहाँ पास हो जाएगा आपका एट, और यहाँ पास आपका हो जाएगा एट की स्पेस पर है थाउजेंड वाले पेज पे, तो यहाँ पास आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, थाउजेंड का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा एट थाउजेंड। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आप आसानी से निकाल लीजिए, आप 8000 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको कल जो है क्वेश्चन नंबर 5-6 बताएंगे, उसके बाद हम आपको कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।